हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा का सिंपल किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ रोस्टेड चूड़ा। काफ़ी हेल्दी होते हैं और शाम के टाइम में आप खाली टाइम बैठे रहो, कुछ कुछ खाने का मन करता है, तो आप ये चूड़ा को बना के स्टोर करके आप रख सकते हो और खा सकते हो। इसके लिए मैंने लिए ये पेपर चूड़ा, फोआ वाली चूड़ा नहीं है, ये पेपर चूड़ा है बिल्कुल। जो फोआ बनते हैं वो चूड़ा अलग होते हैं। चलिए तो मैं रोस्टेड चूड़ा बनाने के लिए क्या क्या ली हूँ। सूखी मिर्च, थोड़ी चटपटा बनाना है, सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता, मूंगफली ली हूँ, दो चार काजू ली हूँ, थोड़ी सी नारियल, दो चार बादाम, थोड़ी सी मगज ली हूँ ये। और तो इसमें मैं दो किस्म का चूड़ा बताऊँगी, एक मतलब हल्का मसाले का, ठीक है, और एक बिल्कुल चटपटा, ठीक है। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। एक में मसाले रहेंगे और एक में बिन मसाले नहीं रहेंगे। तो चलिए, जो मैं मसाले नहीं रहेंगे उसमें मैं क्या क्या डालती हूँ और कैसे बनाती हूँ, चलिए मैं दिखाती हूँ। जो जिस चीज़ में मसाले रहेंगे उसमें कौन सी मसाले ऐड करूँगी। तो चलिए, मसाले में मैंने लिए काली नमक, सादा नमक, गोल मिर्च पाउडर है, हल्दी, चाट मसाला, आमचूर, जीरा पाउडर। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं तेल रख दी हूँ मैं, चलिए मैं बनाती हूँ। पहले मैं एक एक करके मैं सारे को भून लूँगी, मूंगफली को, नारियल को, बादाम को, सारे को मैं चलिए भून लेती हूँ। मैं पहले चेक कर लेती हूँ तेल गरम हुई है या नहीं। तेल गरम हो गई है तो मैं इसके अंदर ये सारे जो बादाम है इस छलनी के अंदर रख लेती हूँ मैं। तो छलनी की मदद से ही मैं इसको लाल करूँगी कढ़िया में, क्योंकि ये सब थोड़ा जल्दी लाल हो जाता है, आप जल्दी नहीं निकालोगे तो ये काले पड़ जाते हैं और वो देखने में खराब लगते हैं। आसानी तरीके से आप तो इसी तरह बना सकते हो अगर आपको नहीं आता है और आपसे बिल्कुल भी नहीं सकते, क्योंकि मूंगफली एक ऐसी चीज़ है कि आप थोड़ी सी आप देख ध्यान नहीं दोगे तो ये मतलब काले पड़ जाते हैं, वो चीज़ ख़राब लगते हैं। आप नमकीन जब भी बनाओ ना तो इस तरह से बनाओ ताकि आपको देखने में अच्छे लगे। देखिए मैं इसी तरीके से ना ये सारे को घी में भूंज लूँगी। देखिए इसी तरीके से मैं भूंजूँगी। देखिए तेल है उतना ही है जितना मुझे चाहिए। देखिए बिल्कुल इसको अलग पलट के मैं चला लूँगी। तो चलिए मैं इसको इस तरह से भून लेती हूँ, भून के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए मैंने सारे मूंगफली, नारियल, ये मिर्चा, कड़ी पत्ता को मैंने सारे और भून लिए हैं, भून के रख दिए हैं। अब देखिए उसी कढ़ाई में मैं दो चम्मच तेल छोड़ के ये सारे चूड़ी को बिल्कुल लाल होने तक भूनूंगी, जब तक ये अच्छी तरीके से लाल ना हो जाए। तो चलिए मैं पहले इसको लाल कर लेती हूँ एकदम धीमी आँच में। देखे मैं गैस को लो कर रखे बिल्कुल, हाँ इसको मैं धीमी धीमी, तो ये थोड़ी तसल्ली में भून जाती है, तो मैं इसको ऐसे ही भूनती हूँ। तो चलिए मैं भून लेती हूँ, उसमें थोड़ा वक्त लगते हैं, आप जितने आराम से भूनोगे उतने ही अच्छे पकते, मतलब अच्छे लगेंगे खाने में, अच्छे लगेंगे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। भून जाने के बाद ये कैसे लगेंगे और क्या किस टाइप से आपको कैसे पता चलेगा मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको भून लेती हूँ मैं, ये देखिए इसको भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। तो 5 मिनट मैं और पका लेती हूँ। जैसे आप भूंजोगे तो आपको ना एक अच्छी सी खुशबू, मतलब सोनी सोनी खुशबू आपको मिलेंगे, उससे आपको पता चल सकता है कि मतलब आपका चूड़ा भुने हैं या नहीं भुने हैं। अगर उससे भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप 2-4 ये लीजिए ये, और इसको ना आपस में ये करके देखिए। देखिए अभी मेरे चूड़े पके नहीं हैं थोड़ा सा, मतलब उसको 5 मिनट में और पकाऊँगी, ठीक है। चलिए मैं इसी तरह से 5 मिनट और पका लेती हूँ।
ये ऐसा चूड़ा है कि आप कभी भी बच्चों को भी टिफिन में दे सकते हो, इसको स्टोर करके आप खा सकते हो जब कभी भी मन करे। अगर स्पाइसी बनाना चाहते हो तो आप स्पाइसी बनाओ, अगर आप नमक और गोल मिर्च में से बनाना चाहते हो तो वैसे बनाओ। मैं इसको आज दो तरीके से बनाऊंगी, एक मसाले वाली एक बिना मसाले वाली। मैं थोड़ी सी चटपटी भी बनाऊंगी और बिना मसाले वाली बनाऊंगी, जो बच्चे आसानी तरीके से खा ले बिना नुस्खा किए हुए, क्योंकि वो लोग को थोड़ा मिर्ची वर्ची थोड़ा कम पसंद है, तो उसी हिसाब से मैं बनाऊंगी। तो चलिए इसको मैं भून लेती हूँ, 5 मिनट और इसको भूनूंगी, उसके बाद मैं जितनी ये रोस्ट करके रखी हूँ ये सारे मैं इसके अंदर डाल दूँगी, उसके बाद मैं इसको ठंडा होने दूँगी, पहले मैं इसको भून लेती हूँ। चलिए मैं अच्छी तरीके से पहले भूनती हूँ, मैं डालूँगी जब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरे 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, ये अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसके अंदर जितने भी मैं ये सारे भून के रखी हूँ मैं सारा इसके अंदर डाल देती हूँ और इसको मैं अच्छी तरीके से मिलाऊँगी। चलिए मैं मिला लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। मसाले मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये अभी गर्म है, अभी इसमें अगर नमक वमक कुछ भी आप डालोगे तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाए, तो मैं इसको थोड़ा ठंडा होने दूँगी तभी मैं मसाले ऐड करूँगी। तो चलिए मैं इसको मिला लेती हूँ। देखिए जो मैंने छोड़े फ्राई किए थे ठंडे हो गए हैं, सो मसाले डालती हूँ। और ये सादा के लिए मैंने 2 जगह कर लिए हैं, एक सादा बनाने के लिए एक तीखा बनाने के लिए। तो चलिए सादा बनाने कैसे बनाती हूँ आप देखिए। पहले डालूंगी नमक बिल्कुल हल्का, फिर पीसी हुई चीनी डालूंगी थोड़ी सी स्वाद के लिए, फिर डालूंगी जीरा पाउडर चुटकी भर, गोल मरीच पाउडर, हल्का सा चाट मसाला और इसमें कुछ नहीं डालता मैं। चलिए मिला लेते हैं। मैंने चूड़े मिक्स कर दिए हैं, ये रही मेरी चूड़े की रेसिपी। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय।